हिम्स ने सोसाइटी हिमाचल प्रदेश द्वारा पीजी कॉलेज धर्मशाला के कॉलेज सभागार में हिम फिल्मोत्सव 2024 की शुरुआत की गई है। इसमें 40 के करीब फिल्में, लघु फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज प्रस्तुत की जाएंगी। फिल्मोत्सव की शुरुआत कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ राजीव भारद्वाज ने की। आयोजन समिति का दावा है कि यह उत्सव हिमाचल के इतिहास का अपनी तरह का पहला उत्सव है। ये न केवल निःशुल्क है बल्कि भारतीय सिनेमा की संस्कृति की बात करने का भी अनूठा प्रयास है। मुख्य अतिथि राजीव भारद्वाज ने कहा कि आज सभागार में जो श्रोता और दर्शक बैठे हैं उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही श्रेष्ठ है। ये पीढ़ी ही देश का भविष्य है। दुनिया में भारत का ध्वज यही पीढ़ी लहराएगी। कार्यक्रम में केरल स्टोरी के निर्माता निर्देशक सुदीप्तो सेन ने भी शिरकत की। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिम सिने सोसाइटी का कि हिम फिल्मोत्सव में मुझे सहभागिता करने का सौभाग्य इन्होंने प्रदान किया और एक बड़ा अच्छा प्रयास है। लेकिन मेरी जो एक चिंता है वो चिंता ये है कि देश का फिल्म का यदि परिदृश्य देखें तो उसमें हिमाचल की भूमिका लगभग नहीं है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसमें हिमाचल कहीं नज़र नहीं आता। ये मेरी बहुत बड़ी चिंता है और मुझे लगता है कि शायद अभी तक वो प्रयास हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन ये जो हिम सिने सोसाइटी है, इन्होंने ये जो बीड़ा उठाया और सबसे अधिक जो बीड़ा इन्होंने ये उठाया है कि जो शॉर्ट फिल्म्स ये लोग बना रहे हैं उनमें सामाजिक सरोकारों को लेकर, समाज में व्याप्त कुरीतियों को लेकर और देश और संस्कृति के प्रति हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान है, इनमें लगाव पैदा हो, भावना पैदा हो और देशभक्ति पैदा हो, इसको लेकर ये जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल फिल्म क्षेत्र में एक अपना स्थान ग्रहण करेगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपने सर मंच से एक अपील भी की है सुदीप्तो सेन से कि एक ऐसी मूवी बनाई जाए जो भारत और भारतीयता को आगे ले जाए, हमारे युवाओं के लिए खासतौर पर वो प्रेरणा स्रोत हो। हाँ, मुझे थोड़ा सा, मैं एक ऐसा कार्य करता हूँ कि जो आसपास जो घटित हो रहा हो उसके ऊपर चिंता भी करता हूँ, चिंतन भी करता हूँ। तो मुझे आज मैं देख रहा था कि जो समय था पूरा इस कार्यक्रम का, वो पूरा मिला के सभी वक्ताओं का 50 मिनट था। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारी युवा पीढ़ी अंदर है और वो थोड़े से, वो 50 मिनट में भी वो इधर उधर थोड़ा सा व्यग्र हो रहे थे, उद्वेलित हो रहे थे। तो इसके लिए फिर मैंने सुदीप्तो राव, विश्वविख्यात फिल्म निर्माता हैं ये, केरला फाइल जैसी, केरला स्टोरी जैसी और बस्तर जैसी मूवीज़ बनाई है, तो मैंने उनसे प्रार्थना की है कि एक ऐसी पिक्चर वो भी बनाएं कि जिसमें हमारे नौजवानों के लिए खासकर एक अनुशासन और एक ठहराव आए जिसमें हमारी पीढ़ी में, क्योंकि जिस नौजवान पीढ़ी के अंदर अनुशासन नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, वो आगे समाज में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए समाज को आगे ले जाने में, देश को आगे ले जाने में, वो भूमिका कई बार वो निभा नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रयत्न किया कि सुदीप्तो शायद मेरी बात को मानेंगे और बहुत जल्द ये देखने को मिलेगी। धन्यवाद।